बहराइच हिंसा में आरोपी रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गोली लगी। इस एनकाउंटर के बाद दोनों की हालत नाजुक है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। इस एनकाउंटर के बाद सरफराज बुरी तरह से घायल है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने पहली प्रतिक्रिया दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा है, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एनकाउंटर हुआ है, जैसे ही आगे की जानकारी मिलेगी मैं साझा करूंगा। ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे तभी एनकाउंटर हुआ है। 5 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हामिद अफजाल, सरफराज और तालिब को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले की जानकारी दी गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने टेलीफोनिक वार्ता में मुख्यमंत्री को अपडेट किया। कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई है। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। दूसरी ओर इस एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं 5 लोगों को इस हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं सरफराज और तालिब की हालत नाजुक है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक दाएं और एक बाएं पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर के बाद बहराइच और आसपास के इलाकों में अलर्ट किया गया है। दूसरी ओर गुरुवार को 5वें दिन इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गयी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों से दूर रहें, किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी पर भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें। दरअसल बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और मोहम्मद तालिम एनकाउंटर में बुरी तरीके से जख्मी हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने कहा, आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इन्हें इलाज के लिए नानपारा अस्पताल से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने ले गई थी। एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था। उन लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने पहले उन्हें सरेंडर करने को कहा, बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालीम को गोली लगी। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई, तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। यूपी पुलिस ने गुरुवार को सरफराज के भाई फहीम, पिता अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल को भी पकड़ा। बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में रविवार 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में शामिल लोग नाचते गाते और जयकारा लगाते नजर आ रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने डीजे बंद करने को कहा तो विवाद शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में हिंसा भड़क गई। ऐसे में जब सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो उसकी बहन का बयान भी सामने आया। उसकी बहन की बातों से ऐसा लग रहा है कि उसकी बहन पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रही है। जरा सुनिए सरफराज की बहन का ये बयान। कल 16 तक मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है।
हमको डर है कि उनकी उनको फर्जी इंक्वाइंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी इसी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष, क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन, एक माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील। फिलहाल पुलिस ने 11 FIR दर्ज की है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या में 6 नामजद और 4 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। हत्याकांड से जुड़े 6 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं। हिंसा आगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों के एनकाउंटर में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि जब पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी और उनके ऊपर कोई गोलियों की बौछार करेगा तो क्या पुलिस उसे माला पहनाएगी या उस पर फूलों की बारिश करेगी? जिंदा या मुर्दा, उन्हें अपराधियों को पकड़ना है। अपराध अगर किया तो जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या जेल में। जरा सुनिए क्या कहते हैं ओपी राजभर। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरें, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। इधर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने बहराइच हिंसा पर कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था और सरकार सही ढंग से काम कर रही है, हमारे अधिकारी लोग इसमें लगे हुए हैं, आगे भी देखा जाएगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। घटनाएं जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।